नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन फ्रॉम सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, भारत से आज आपके लिए लेके आया हूँ मेरे होम्योपैथी लर्निंग सीरीज का जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडालिटीज इन होम्योपैथी प्रैक्टिस, होम्योपैथी केस टेकिंग कैसे लेना है, कैसे काम में लगाना है, इंपॉर्टेंट टिप्स टू यूज मॉडालिटीज, हाउ वी डिड आइडेंटिफाई इट। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, किसी एक ने इसका रिक्वेस्ट भेजा है और जो रिक्वेस्ट भेजा है वो खुद शायद बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर होंगे और प्रैक्टिस में ये मॉडालिटीज होम्योपैथी में इतना इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अगर ये देखा जाए तो हम लोगों के प्रिस्क्रिप्शन के मोर देन 50% पार्ट इम्पॉर्टेंट ये मॉडालिटीज होते हैं। इसी के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन होता है, इसी के ऊपर पेशेंट अच्छे होते हैं, इसी के ऊपर पेशेंट को हम लोग लॉन्ग टर्म रिजल्ट भी दे सकते हैं। कैसे डिवाइड कर लेते हैं, पहले फर्स्ट स्टार्टिंग में हम लोग यूज करते हैं कि एक्यूट केसेस में मॉडालिटी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्यूट केस टेकिंग में हम लोगों ने पहले ही बताया हाउ टू क्रैक माई एक्यूट केसेस गोल्डन रूल्स बोल के एक वीडियो मेरे चैनल पे है, उसको जाके थोड़ा सा देख लीजिए कि एक्यूट केस को कैसे ट्रीटमेंट करना है, कौन कौन से पॉइंट्स लेना है। दोस्तों मेरे जितने भी वीडियोज है मेरे जिंदगी के अनुभव, आई एम ए फर्स्ट जनरेशन होम्योपैथ, मेरे फादर या उसके फादर या अंकल मेरे कोई होम्योपैथ नहीं थे, मैं होम्योपैथी अपने इच्छा से पढ़ने को गया, फिर जाके BHMS पास करने के बाद से ही ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और ईश्वर के आशीर्वाद से आज जो भी जगह पे हूँ, जो भी एक मकाम पे मैं पहुँचा हूँ, ये खुद का जो एक्सपीरियंस है, एक एक पेशेंट को ठीक करके उसके बाद और एक पेशेंट आता है, उसी पेशेंट दूसरे पेशेंट को भेजता है, ये जो रियल टाइम मेरा एक्सपीरियंस है मोर देन 17 इयर्स का, इसके बेसिस पे मैं वीडियोस बनाता हूँ। मैं ऐसे वीडियोस नहीं बनाता हूँ जो होम्योपैथी को आपके लिए टफ कर दे। मैक्सिमम होम्योपैथी स्पीकर्स या होम्योपैथी जो टीचर्स हैं वो होम्योपैथी को इतना टफ और इतना डिफिकल्ट अप्रोच में आप लोगों के पास लेके आते हैं जो देख के आप लोगों को लगेगा बाप रे ये कितना कठिन है, कितना पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, कितना चीज याद रखना पड़ेगा, फिर जाके मैं ये प्रिस्क्रिप्शन कर सकूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, होम्योपैथी इज सिंपल, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ट्यून को पकड़ना है। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ मेरे बहुत सारे वीडियोस में, मैंने पहले भी बोल चुका कि होम्योपैथी इज लाइक ए आर्ट, ये साइंस एंड आर्ट का कॉम्बिनेशन नहीं है तो सभी कोई जानता है, लेकिन होम्योपैथी इज ए आर्ट, यू आर द आर्टिस्ट। आपको आर्ट साइंस वहां तक है जो आपके मन तक है, लेकिन जब भी पेशेंट आप देख रहे हैं, केस टेकिंग इज ए 100% आर्ट एंड सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन इज आर्ट। साइंस कौन सा पार्ट है, जो आप सीख के आए हैं, जो आपके अंदर है, फिजिशियन जो है, प्रिस्क्रिप्शन जो आप करने जा रहे हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, कॉन्सेप्ट ऑफ मेट्रिया मेडिका से लेके कॉन्सेप्ट ऑफ एलाइड सब्जेक्ट, पैथोलॉजी, डायग्नोसिस, मेडिसिन, सर्जरी का नॉलेज से लेके एवरीथिंग एलाइड सब्जेक्ट का नॉलेज जो भी है, ये है आपका साइंस। लेकिन जब भी आप पेशेंट देखना स्टार्ट कर रहे हैं तब यू आर द आर्टिस्ट। आर्ट आपको ठीक से करना है, जितना अच्छा आप आर्ट करेंगे, जितना अच्छा ब्रश का यूज करेंगे, रंगों का यूज करेंगे, जितना ब्राइट पिक्चर आपका आएगा मेडिसिन का उतना ही अच्छा काम होगा। तो ये एक्यूट केस में हम लोगों ने जो बोला है मेरे गोल्डन रूल्स हाउ टू आई क्रैक माई क्रॉनिक एक्यूट केसेस में के लोकेशन सेंसेशन मॉडालिटी कॉन्कोमिटेंट, लोकेशन सेंसेशन मॉडालिटी कॉन्कोमिटेंट के बुखार आया, बुखार का तो लोकेशन ऑल ओवर द शरीर होता है, लेकिन बुखार का डायग्नोसिस होना चाहिए। अगर जनरल वायरल फीवर है कहीं पे पर्टिकुलर कोई नहीं कि फेरिंजाइटिस टॉन्सिलेटिस का बुखार हो सकता है, कहीं पे कुछ एब्सेस हुआ है उसका, तो लोकेशन इंपॉर्टेंट हो गया। फिर लोकेशन सेंसेशन मॉडालिटीज कॉन्कोमिटेंट, क्या लग रहा है पेशेंट को वो प्रॉब्लम होने के बाद, जब से बुखार आया बहुत ठंडा लग रहा है, जब से बुखार आया बहुत गर्म लग रहा है, जब से बुखार आया तब से आंखों में जलन हो रहा है, जब से बुखार आया तब से पानी का प्यास ज्यादा हो रहा है, ये जितने भी सेंसेशन है मॉडालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बुखार कब बढ़ रहा है, बुखार का टाइमिंग्स के ऊपर एक अलग किताब भी छप चुका है होम्योपैथी में। बुखार का टाइमिंग्स इतना इंपॉर्टेंट है, हर दिन किस टाइम पे बुखार आ रहा है, हर 2-3 घंटे के बाद एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं बुखार का
टाइम, ये सब इंपॉर्टेंट्स होते हैं। मिड डे मिडनाइट एग्रावेशन आर्सेनिक एल्बम, अर्ली मॉर्निंग एग्रावेशन सल्फर से लेके नेट्रम साल्फ से लेके काफी मेडिसिन। डायरिया में भी ऐसा ही, टाइमिंग्स अगर है तो मेडिसिन आपका सिलेक्टेड हो जाएगा। हाँ, आपको देखना पड़ेगा ये इतना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। बहुत सारे पेशेंट अक्सर हम लोगों को मॉडालिटीज में टाइम नहीं दे सकते, लेकिन हीट कोल्ड मॉडालिटी देके जाते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, जब से बुखार आया तब से बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है और मैं कंबल ओढ़ के ही, तो चिली नेज ड्यूरिंग, इसमें आपका आर्सेनिक से लेके चाइना से लेके कार्बोबेज से लेके बहुत सारा मेडिसिन अलग हो जाता है, यूप्रेटर पार्पोरेटम से लेके बहुत ज्यादा। बुखार है लेकिन कोई चिलीनेस नहीं है, फॉस्फोरस जेलसीमिया। तो ऐसा बहुत सारा मॉडलिटीज पेशेंट आपको एक्यूट केसेस में देखे जाएंगे। एक्यूट पेन्स, एक्यूट रूमेटिक पेन्स, एक्यूट हेडेक, इन सब में अगर आप मेट्रिया मटेरिया पढ़ने जाए तो हर मेडिसिन में आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा डिफरेंस आप कर सकते हैं। जैसे आपका बेलेडोना का हेडेक, उसका मॉडलिटी अलग, ब्रायोनी का हेडेक, उसका मॉडलिटी अलग, राष्ट्रक्स का हेडेक, उसका मॉडलिटी अलग, ग्लोनाइन का हेडेक, उसका मॉडलिटी अलग, ऑनोस्मोडियम का हेडेक, उसका मॉडलिटी अलग, नेट्राम्यून का हेडेक, उसका मॉडलिटी अलग, सबका मॉडलिटी अलग अलग। कुछ ना कुछ स्ट्राइकिंग फीचर्स मॉडलिटी में आपको याद रखना पड़ेगा, उसी के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन होगा, वरना आपको मेडिसिन देने का जरूरत नहीं, खास करके एक्यूट केसेस में। अभी क्रॉनिक केसेस में आए, क्रॉनिक केसेस में मॉडलिटी कितना इंपॉर्टेंट है, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात मैं कहने जा रहा हूं। क्रॉनिक केसेस में अक्सर पेशेंट ऐसे मॉडलिटीज हम लोगों को देते हैं जो डिजीज सिम्टम्स होते हैं, वो बीमारी में वैसा ही होता है। एज पर एग्जाम्पल आर्थराइटिस के केसेस में पेशेंट बोलेंगे मुझको अर्ली मॉर्निंग एग्रावेशन हो रहा है, मुझको कॉन्टिन्यूअस मोशन एम्यूलोरेशन हो रहा है, फास्ट मोशन एग्रावेशन हो रहा है, जैसे रास्टक्स, जैसे वाइटोलक्का, जैसे थुजा में ये सिम्टम्स हैं। लेकिन अगर ये सिम्टम्स पेशेंट बार बार आपको इंफोसिस कर रहा है, अगर ये सिम्टम्स पेशेंट को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कष्ट देता है, तो ये भी प्रेस्क्राइबिंग सिम्टम्स में आएगा। वरना ये एक दो बार बोल के पेशेंट अगर छोड़ देता उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये डिजीज सिम्टम्स है। जैसे डायबिटीज के पेशेंट आपको बोलेंगे पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, ज्यादा पानी पीना, ज्यादा भूख लगना, ज्यादा यूरिन होना, ये डायबिटीज के कॉमन सिम्टम्स है, इसके ऊपर तो प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा। लेकिन अगर डायबिटीज का एक पेशेंट दूसरे और कोई सिम्टम्स के साथ इस पर्टिकुलर एक दो सिम्टम्स को, पॉलीयूरिया को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा है, तब जाके उसका मॉडलिटी थोड़ा पूछिए। आप तो बार बार बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा यूरिन हो रहा है, इससे बहुत दिक्कत हो रहा है, कब ज्यादा हो रहा है? नहीं डॉक्टर साहब, रात में ही ज्यादा होता है, तो पॉलीयूरिया एग्रावेटेड एट नाइट, वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन फॉर मार्कसॉल। यहां से आपका मेडिसिन आने का कोशिश है। लेकिन यही एक सिम्टम से मेडिसिन में निकालने का बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसको आप रख सकते हैं, इट इज ए इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। नाउ क्रॉनिक केसेस में अक्सर पूरा केस्टिकिंग करने के बाद पूरा जो इंसान है उसका मैं थर्मल मॉडलिटी, गर्म में ज्यादा प्रॉब्लम होता है या ठंडा में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, नेक्स्ट उसका सी शोर मॉडलिटी, अगर आप समुन्द्र किनारे जाते हैं तो आपका अच्छा लगता है या प्रॉब्लम बढ़ जाता है, नेक्स्ट डे मॉडलिटी, दिन के कौन से टाइम में आपको ज्यादा अच्छा लगता है, प्रॉब्लम आप फील करते हैं, फिर मेंटल मॉडलिटीज भी लेता हूं कि मानसिक कौन सा स्टिमुलेशन से आपका बीमारी बढ़ जाता है, ज्यादा साउंड में जाने से, ज्यादा नॉइज आने से, बैड न्यूज सुनने से आपका प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ता है कि नहीं, कुछ चीजों से डर जाने से आपका प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाता है कि नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडलिटीज होते हैं। इससे करके हम उनके मेंटल सिम्टम्स तक पहुंच सकते हैं। ये मेंटल सिम्टम्स तक पहुंचने का एक सीरी होता है क्वेश्चंस करने के बाद। नेक्स्ट सीजनल मॉडलिटी, आर्थराइटिस का पेन कौन सा सीजन में ज्यादा बढ़ता है, स्किन का इश्यूज कौन सा सीजन में ज्यादा बढ़ता है, गैस का इश्यूज कौन सा सीजन में ज्यादा बढ़ता है, हेडेक का प्रॉब्लम कौन सा सीजन में ज्यादा बढ़ता है, विंटर समर और रेनी सीजन में, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडलिटी होता है। आर्थराइटिस के केसेस में न्यू मून फुल मून एग्रावेशन बहुत अच्छा मॉडलिटी होता है। तो मॉडलिटीज ऐसा है कहीं से भी निकल के आ सकता है, और कभी कभी तो एक इंपॉर्टेंट क्रॉनिक केस में जिसमें बहुत सारा सिम्टम्स ऑलरेडी पेशेंट दे चुका है, फिजिकल जनरल में भी अच्छा प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम है, मेंटल जनरल में भी अच्छा प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम है, लेकिन आपका
एक ऐसा मॉडलिटी पेशेंट बार बार दे रहा है जिसके ऊपर पेशेंट का आपका बहुत सारा सिम्टम्स चेंज हो जाता है. बर्निंग पेन एम्यूलेटेड बाई हीट, आर्सेनिक लाइक, ऐसा सी इंपॉर्टेंट मॉडलिटी दे रहा है. तो ये सब आपको बहुत बहुत जरूर देखना पड़ेगा. ये नहीं देखेंगे, ऐसे करके नहीं सोचेंगे तो आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्शन का पावर दिन के दिन लाइट वेट होता जाएगा. और जितना आप अच्छा केस टेकिंग में इन सब चीजों को टटोलोगे और उसके साथ साथ आप रेपर्टरी यूज कीजिए, मेट्रोमेडिका यूज कीजिए, खोल के बुक देख लीजिए कि जो मैं बोलने जाऊं वो ठीक है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो आप जरूर उसको आप याद कर सकेंगे. ऐसे मोडालिटीज हमारे मेट्रियो मेडिका में भरे पड़े हैं. जैसे एज पर एग्जाम्पल, मैं अगर अभी एलन की नोट मेरे पास ही रहता है हर टाइम, एलन की नोट मैं खोल लेता हूं. देखिए एपिस, एपिस मेलिपिका का आफ्टर स्लीपिंग एग्रावेशन, लेकेसिस का भी है, एपिस का भी है. लेकेसिस हॉट पेशेंट, एपिस हॉट पेशेंट. लेकेसिस टॉकेटिव, एपिस इज नॉट टॉकेटिव. लेकेसिस एपिस का बर्निंग स्टिंगिंग पेन एम्यूलेटेड इन ओपन एंड कोल्ड एयर, हॉट पेशेंट एम्यूलेटेड इन कोल्ड एयर. लेकेसिस का इतना बर्निंग स्टिंगिंग पेन नहीं रहेगा. लेकेसिस का जो इन्फेक्टेड एरिया रहेगा जहां पे आप प्रेस्क्रिप्शन करने जा रहे हैं स्किन या इंफ्लेमेटरी एरिया में, वो ब्लूइश रहेगा. तो ये एक इंपॉर्टेंट, कहीं से भी आप ढूंढने जाइए तो आपका मोडालिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. देखिए एंटीम टार्ट, अक्सर हम लोग बच्चे लोगों के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे निमोनिया हुआ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ, ब्रोंकियल इश्यूज हुए, उनमें घर घर कर रहा है, एच मच एस कलेक्टेड बट नथिंग कम्स अप बोल के हम लोग जो एंटीम टाट के तरफ जाते हैं, तो एंटीम टाट का देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडलिटीज है. इन डैम कोल्ड वेदर, लाइंग डाउन एट नाइट, वार्म रूम चेंज ऑफ वेदर इन स्प्रिंग. तो एंटीम टाट का, एंटीम टाट ऐसे केसेस में आप दे सकते हैं जहां पे आपका डैम कोल्ड रूम में आपका प्रॉब्लम जहां से बढ़ा है. तो डैम कोल्ड रूम से अगर एक्यूट कोल्ड लगता है और वो कोल्ड आके छाती में सेटल डाउन होता है फिर नहीं निकल रहा है, तो एंटीम टाट आप सोच सकते हैं लाइक डालकामारा, लाइक रास्टर्स, लाइक नेट्रामसल, लाइक थुजा ऑक्सीडेंटलिस, इन सभी में भी डैम कोल्ड रूम एग्रावेशन है. लेकिन यहां से आपका ऐसे कंपैरिजन करके प्रिस्क्रिप्शन भी आ जाता है. तो ये मेरा एक छोटा सा कोशिश रहा कि मैं आपको मॉडलिटी का इंपॉर्टेंस आपको पकड़ा सकूं. तो अगर ये आपका मायाजमेटिक में भी, हाँ एक इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया, मायाजमेटिक में भी मॉडलिटीज मायाजम डायग्नोसिस में भी काम आते हैं. कोल्ड एम्यूलोरेशन जनरली हम लोग सिफिलिटिक में पाते हैं, वार्म एम्यूलोरेशन, हॉट एम्यूलोरेशन हम लोग सोरिक में आते हैं. तो ये कई कई चीजें हैं, जैसे डस्ट एग्रावेशन, डस्ट एलर्जीज वगैरह, ऐसे करके अगर हम लोग देखने जाए तो ये ट्यूबरकुलर में आता है. तो काफी ऐसे एग्रावेशन एम्यूलोरेशन है जो अगर थोड़ा सा आप स्टडी करेंगे जिसमें मायाजमेटिक आपका सिम्टम्स में भी कवरेज आ जाएगा. लेकिन मैं बेसिकली मायाजम्स को पैथोलॉजिकल स्टेज एंड स्टेज ऑफ द पेशेंट प्रेजेंट डिजीज कंडीशन के ऊपर मैं इम्फोसिस करने बोलता हूँ. ये पर्टिकुलर सिम्टम्स में लेके अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इसको इशू कर सकते हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं होता, इसीलिए मैं पूरा वीडियो में इसका डिस्कशन नहीं किया. तो दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. वीडियो को अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जितने भी सोशल मीडिया फ्रेंड्स है, व्हाट्सएप फेसबुक फ्रेंड्स है, उस पे जरूर वीडियो को सर्कुलेट कीजिएगा कि मेरा कोशिश है क्लासिकल होम्योपैथी को प्रोपागेट करना, होम्योपैथी के जो मूल जो सिद्धांत है उनके ऊपर रह के प्योर सिंगल मेडिसिन और क्लासिकल होम्योपैथी को प्रोपागेट करना. नमस्कार दोस्तों.